अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज जो है वो मेरी सिस्टर मिस्त्री बन गई है और यहाँ पे जो है मिस्त्री वाला काम जो है वो कर रही है। वैसे पापा ने बहुत मिस्त्री ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा, सब मिस्त्री बिजी हैं। तो मुस्कान जो है मेरी छोटी सिस्टर, तो इसने ट्राई किया कि चलो अपना ही घर का काम है तो क्यों ना आइडिया लगाया जाए, कुछ किया जाए। तो इसने जो है मुस्कान ने शुरू किया, अम्मी ने मसाला बना दिया और मुस्कान जो है यहाँ पे ऐसे पलस्तर करने लगी। एक बार जो है देख ली थी अम्मी, एक बार बता दी थी तो कही कि हम करेंगे, जिद करने लगी। तो अम्मी कही ठीक है लो कर लो, तो ये करने लगी और फाइनली जो है हम लोग अपने से अपना काम कर रहे हैं। वैसे तो सच बात है, खुद का काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें अपने काम करने में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई शर्म वरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। अपने घर का काम आप बेझिझक किया कीजिए, कोई भी काम हो, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो काम, उसे आप बेझिझक किया कीजिए, बिना शर्म के किया कीजिए। और यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर जो है बहुत फिनिशिंग के साथ, जैसे लग रहा है इतने अच्छे से ये प्लास्टर कर रही है। जो पाइप जो है गड्ढा गड्ढा था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था गड्ढा गड्ढा था, तो वो पूरा जो है देखिए ये किचन के साइड में आ गई है और ये किचन के साइड में भी ये पूरा भर रही है, जितना भी है ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा अच्छे से ये भर रही है। और बहुत देखिए पीछे के साइड यहाँ पे आपने देखा गड्ढा था, तो ये सारा गड्ढा ये पूरा फिलअप कर दिया, आंगन की तरफ का फिल कर दिया है, अब इधर का कर रही है और मैं उसे लाइट दिखा रही हूँ और ये पूरा देख रहे हैं दोस्तों गड्ढा, ये सारा गड्ढा जो है मेरी सिस्टर भर देगी। तो बहुत हिम्मत करती है और बहुत ज़्यादा काम भी करती है, और क्या बताऊँ मेरी सिस्टर बहुत होनहार है, हर चीज़ कर ले रही है। तो मैं भी कर लेती हूँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं करने दे रही है, बोल रही नहीं अब आप मत कीजिए मैं करूँगी। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है तब तुम ही करो। तो ये बहुत अच्छे से कर रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना फिनिशिंग के साथ कर रही है, चिकना भी कर दे रही है, जगह जगह जहाँ पे भी गड्ढा है उसको भर दे रही है। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में इसके लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या सचमुच अपना काम करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप हमेशा अपना काम खुद से करने का प्रयास किया कीजिए। अगर आपको कोई काम के लिए कोई नहीं मिल रहा है, वर्कर नहीं मिल रहा है, तो एक बार आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए, जिसे आप कर सकें वो काम आप ट्राई करें ज़रूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने पूरा फिल कर दिया है और देख सकते हैं पीछे मैं थोड़ा सा आपको कट कर करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्किप कर करके दिखा रही हूँ। इसने देखिए पूरा फिल कर लिया है, अब उसे ऊपर से पूरा चिकना करेगी। एक बार ये भर ले रही है, पूरा हाथ से भर रही है दोस्तों, और भरने के बाद फिर उसको जो है करनी है उससे जो है फिल कर ले। और देखिए मैं यहाँ पे जो है टॉर्च ये बल्ब का लाइट इसे दिखा रही हूँ ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो और आराम से, और पूरा देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक उसने खुद भरा है, बहुत मेहनत की है। और पापा भी बहुत खुश हैं कि लड़की जो है बहुत जल्दी ये काम जैसे कभी की नहीं है फिर भी बहुत अच्छे से कर ले रही है। पापा को नहीं आइडिया था कि ये कर पाएगी लेकिन कर ली। और अम्मी ने मसाला बनाया था जो है ये मटेरियल का, और ये जो है भर रही है और आगे आपको दिखाएंगे, ये खुद भी मसाला जो है आगे बनाएगी, आप देखिएगा अम्मी से सीख गई है। एक बार अम्मी ने बनाया और उसको देखकर ये खुद भी मसाला बना ले रही है, ट्राई कर ले रही है, अब आगे दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए अब मसाला ये फिर बनाएगी, क्योंकि मसाला ख़त्म हो गया है और अम्मी बहुत थक चुकी हैं तो अम्मी रेस्ट कर रही हैं। तो ये रात का समय है दोस्तों, रात में ये जो है मैंने मना किया था कि रात को मत करो, लेकिन फिर भी करेगी, नहीं करेंगे करेंगे, जल्दी हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर पेंट वगैरह होगा तभी तो फिर पूरा किचन में पूरा सामान भी लाना है, अभी किचन को साफ़ करना है, इसलिए जो है ये कर रही है। तो ये देखिए मसाला अब ये बनाएगी, सीमेंट लेगी और फिर मसाला इसको रेडी करेगी, फिर जो भी बस किचन का आज करेगी ये बस कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद बाथरूम जो है वो कल सुबह करेगी, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा सुबह का भी दोस्तों। तो ये देखिए सीमेंट डाल दी है और देख सकते हैं आप हाथ से कर रही है, और इसका हाथ जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा सीमेंट की वजह से कट भी गया था, तो बहुत मतलब इसको बहुत पेन हो रहा था, तो हम इसको बहुत डांटे थे कि क्यों हाथ से कर रही हो, हाँ
ग्लव्स लगा लो या प्लास्टिक ग्लव्स मार्केट में गई, लेकिन टाउन एरिया इस वजह से ग्लव्स नहीं मिल पाया हम लोगों को। सो दोस्तों, तो मैंने इसे बोला प्लास्टिक लगा लो, लेकिन फिर भी नहीं। और देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये हाथ से ही पूरा करने लगती है। क्या बताएं, मेरे सिस्टर बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है, और क्या अपना ही ज़िद करती रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी निकाल रही है नल से, और पानी निकाल के अब ये सीमेंट का घोल जो है, सीमेंट का मसाला देखिए, अब फिर हाथ से करने लगी। हाथ से इसका आदत हो गया, पता नहीं क्यों ये हाथ से करने लग रही है। और इसी वजह से इसका हाथ जो है, सीमेंट की वजह से थोड़ा थोड़ा उंगलियां जो है हाथ की, वो फूल भी गई थी। और देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ इसने किया है। और मिस्त्री नहीं मिल रहा था, एक महीना हमें वेट करना पड़ता, इसलिए जो है बालू सीमेंट पापा सब मंगवा के रखे थे ताकि मिस्त्री मिले तो काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तब जो है अम्मी जा रही थी भरने के लिए, लेकिन अम्मी को नहीं भरने दिए, ये खुद भरने लगी है। और ये देख सकते हैं अम्मी ने एक बार बताया और ये करने लगी। अम्मी को भी नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने यूट्यूब पर देखा था वीडियो, तो उसी को देखकर हम लोगों ने, मेरी अम्मी ने ट्राई किया था, तो अम्मी को ये नहीं करने दिए, ये खुद करने लगी है। तो ये देख सकते हैं हाथ से ही पूरा ये भर रही है। बहुत जो है इसमें बहुत टाइम भी लग रहा है दोस्तों, मेहनत भी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना हाथ से ये भर रही है। और हाथ से आप लोग ना भरें, आप लोग ग्लव्स का यूज़ करें। हमारे यहाँ तो ग्लव्स नहीं मिल रहा है, तो ये मजबूरी है हाथ से करने का। लेकिन अगर आप अपने घर का इस तरीके से अगर वर्क करते हैं, कोई भी छोटा मोटा ऐसा वर्क है, तो आप ग्लव्स लगा के ही करें, क्योंकि हाँ ऐसे आपका हाथ जो है सेफ़ रहेगा, उंगलियाँ जो हाथ की सेफ़ रहेगी, कट वट नहीं होगा। सीमेंट की वजह से हल्का फुल्का कट के टाइप हो जाता है, हाथ फूल भी जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मतलब ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसका हाथ फूल गया था तो गर्म तेल के करके इसका हाथों के मालिश हम लोग किए थे ताकि इसका हाथ सही हो जाए, और अल्लाह पाक के करम से जो है हाथ इसका सही हो गया है। और ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से ये कर रही है। देखिए कोने का है, जो प्लम्बर भाई थे ना, वो पूरा थोड़ा उठा के कर दी थी, इस वजह से थोड़ा इसको भरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोने की साइड में प्रॉब्लम हो रहा था उसको भरने में। प्लम्बर भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा कर दिए थे, थोड़ा सा और गड्ढा करके अगर पाइप को सेट करते तो इतना ऊंचा नहीं होता, लेकिन अब हो गया है। तो अब इसी के ऊपर जो है ऐसे कर रही है, और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पाइप दिखने लग रहा है, फिर उस पर जो है मसाला लगाएगी। इससे इसको काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए सिंक के साइड भी यहाँ पे होल किया गया, अब इसको भी ये फिल कर रही है, भर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत मेहनत की है मेरी छोटी सिस्टर मुस्कान। तो इसके लिए एक लाइक तो भाई बनता है, आप लोग प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लड़कियां हर काम कर सकती हैं। और इससे एक प्रेरणा भी मिलेगा कि अपने घर का कोई भी काम हो आप इजीली कर सकते हैं, बिना शर्म के, बिना झिझक के आप कर सकते हैं। क्योंकि काम कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर जो कुछ नहीं आता है उसे सीखने में, कुछ नया करने में अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा काम है जो कि आप नहीं किए हैं और आपके घर में ज़रूरत है कोई काम, और व्यक्ति वो नहीं मिल रहा है, वो कारीगर नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए अब रात हो गया है, तो यहाँ पे अभी जो है पकौड़ा छान रही हैं, और मुस्कान जो है अब हाथ मुँह धोकर आएगी, क्योंकि बस हम लोगों ने मैंने लाइट दिखाया था, और मेरी बहन ने किचन का जो है पूरा होल भर दिया है। अब सुबह जो है वो बाथरूम का होल जितना है वो सारा भरेगी। तो अभी तो पकौड़े छना रहा है, खाना खा चुके हैं हम लोग, अभी तब सो रही है, और वो भी सो के आएगी। इसी यही रूम है जिस रूम को हम लोगों ने किचन बनाया है। अब देखिए सो के आ चुकी है पकौड़ी और खाना खाने के लिए, और मुस्कान भी यहाँ पर आ चुकी है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत थक चुकी है मुस्कान, जो है पूरा फील कर कर आई है, पूरा जो है जितना भी गड्ढा था, और अब गर्म गर्म पकौड़ी छान के निकल रहा है, और तबस्सुम में बैठी है, बहुत ही थक चुकी है। पूरा सफाई जो है पूरा रूम का हर जगह का सफाई करने में बहुत टाइम लग गया, और थक भी गई है काफ़ी। तो अब पकौड़ी मैं देने जा रही हूँ, अब जरीना को दूँगी, तबस्सुम को दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तबस्सुम को दे दिया है पकौड़ी, और मुस्कान खुद से ही ले ली है और बैठ गई है खाने के लिए। इतना हंसी आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत हंसी आया था, और मुस्कान काफ़ी जो है हंसाती रहती है। और यहाँ पे देखिए चटनी अप्पी ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी चटनी है। एक जो है थोड़ा दरदरा टाइप का पिसा हुआ, वो भी हम लोगों ने सिल बट्टे पर ही
इसको पीसा है। मिक्सर का बहुत कम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये खुद से ही चटनी लेके और बस बैठ गई। और पकौड़े का कंपटीशन था कि ये कितना जल्दी ये पकौड़ा खा सकती है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये पकौड़ा अब खाएगी। अब कंपटीशन शुरू होगा। यहाँ पे देखिए कितना मतलब गरम गरम पकौड़ा है, और वो भी विंटर का अभी समय चल रहा है तो गरम गरम और अच्छा लगता है पकौड़ा। तो ये बैंगन का पकौड़ा है और आलू का भी पकौड़ा है। तो ये देखिए मुस्कान खाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे दो बर्ड है हमारा, दोनों का नाम हनी और वेलवेट है। उसका भी हम एक जो है वीडियो बनाएंगे, और आप लोग मेरे बर्ड से भी मिल लीजिएगा लोग, उसका वीडियो देख लीजिएगा लोग। तो यहाँ पे तबस्सुम का हम लोगों ने प्लेट लगा दिया है। और ये खाना, ये देखिए ये पकौड़ा खा के जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही है क्योंकि टास्क है। और सबसे पहले यही खाती है हम, और तब जरीना जो है तबस्सुम जो है वो पीछे रह जाते हैं और हम टास्क नहीं जीत पाते हैं। देखिए ये भी खा रही है जल्दी जल्दी कि मैं जीतूँ, लेकिन ये नहीं जीतती है। तबस्सुम भी नहीं जीतती है, ना ही मैं ही जीतती हूँ। तो यहाँ पर चटनी है और चावल ये ली है, और यहाँ साथ में पकौड़ी है। बिना चावल का इसका पेट तो नहीं भरता है, इसलिए चावल खा रही है। क्योंकि दोपहर में जो है रोटी भी बनाता था, इसलिए ये चावल खा रही है। और मैंने खाना खा लिया था इसलिए सिर्फ मैं पकौड़ी खा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी जरीना को बहुत ठंड लग रहा था, तो इसका तबीयत भी थोड़ा ख़राब था, तो इसलिए थोड़ा सो गई थी। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पकौड़ी के जो है रेस में मुस्कान जीत जाती है और हम लोग कॉम्पिटिशन में हार जाते हैं। तो मुस्कान जीत जाती है, उसको 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा पकौड़ी हम लोग देते हैं अपने में से। और इतना हंसी आता है, हम दोनों यहाँ पे गरम गरम पकौड़ी भी खाते हैं और हंसते भी रहते हैं। और अभी भी थी, अभी छान रही थी गरम गरम पकौड़ी। और यहाँ पे सुबह हो गया और फिर ये जो है अब बाथरूम के लिए निकल पड़ी है मसाला बनाकर। अब देखिए ये बाथरूम का भरेगी, अब आ गई। अब देखिए ये पूरा जितने भी होल दिख रहे हैं आपको, ये सारा बाथरूम का जो है वो भरेगी। तो मैं आपको स्किप कर 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 दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा फास्ट और स्किप कर कर के वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मसाला जो है ये बना ली है, क्योंकि हमने एक बार बनाई थी तो ये देखी थी, तो एक बार में ये देख लेती है तो वो कवर कर लेती है, याद रखती है कि कैसे बना था। तो अब देखिए अब इसको हाथों के मदद से फिर भरेगी। इसका हाथ दुख रहा था, तो रात को जो है हम लोगों ने इसका हाथ का मालिश किया था, थोड़ा आराम मिला था, तो फिर हाथ से शुरू हो गई क्योंकि प्लास्टिक लगाए थे, प्लास्टिक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्लास्टिक निकाल दी है। और अब देखिए सारा जो है होल दिख रहा है, सारा होल भरेगी। और देखिए अब फास्टिंग पहले होल को ये भर ले रही है, फिर उसके बाद जो है इसको करनी की मदद से इसको चिकना कर दे रही है। तो आप देख सकते हैं हाथों से ये होल भर रही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैंने सोचा कि मैं हेल्प करा दूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन देखिए मैं ट्राई करती हूँ, देखिए अब क्या होता है आगे। मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं भरा पाता है, कितने लगता है बार बार मसाला। तो मुस्कान कहती है कि नहीं अभी आप जाइए, मैं कर लूँगी अकेले। तो फिर मैं थोड़ा सा भरती हूँ और फिर मुझे जाने के लिए कह देती है, इसलिए मैं करवाना चाहती थी लेकिन बोली थी नहीं आपका भी हाथ कट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काम हम सब अप्पी पे ज़्यादा आ जाएगा, अप्पी खाना बनाती हैं और हम लोग भी थोड़ा हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं भरती ही हूँ लेकिन मेरा उतना अच्छा से भराई नहीं हो पाता है। देख रहे हैं आप वीडियो में कि मेरा जो है हम भर रहे हैं तो गिरने लग रहा है। एक बार मैंने करनी से भी ऐसे करके देखा लेकिन नहीं हो रहा था दोस्तों, तो गिर जा रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और बोली मुस्कान की मैं कर लूँगी। और ये देख सकते हैं इतना सारा जो है होल भर चुकी है, और ऊपर का भी अभी ये इतना सारा ये पूरा भरना है। तो दोस्तों ऐसे ही पूरा होल को ये भर लेगी, ताकि भरने के बाद जो है इसको ऊपर से चिकना किया जा सके। तो पहले इसको भरना है आपको ऐसे हाथों से, या फिर आप चाहें तो आप सबसे पहले अपने हाथ में ग्लव्स पहन लीजिएगा फिर ही आप भरिएगा, क्योंकि ऐसे तो हाथ आपका जो है कटने का थोड़ा सा डर रहेगा, इसलिए आप पहले ग्लव्स पहन लीजिएगा फिर उसके बाद कीजिएगा। तो सारा होल भर ली है, उसके बाद उसको ऊपर से हमें चिकना करना है, फिनिशिंग देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सीमेंट जो है करनी के हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा सीमेंट लेके ऐसे ही चिकना करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा जो है मसाला लेके यहाँ पे हल्का हल्का जो है मसाला लगा के ऐसे चिकना करना है। और साइड में जो भी एक्स्ट्रा अगर मसाला होगा तो उसको आप करनी के हेल्प से ऐसे कट कर करके निकाल दीजिएगा, ताकि जो है फिनिशिंग रहे, अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको कर लेना है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज़।